अमरोहा में एक बार फिर एक विवाहिता दहेज लोभियों की बलि चढ़ गई। ताजा मामला देहात थाना क्षेत्र के गांव इमली वाली मड़ैया का है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि 6 महीने पहले विवाहिता की शादी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही विवाहिता को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और मायके से 2 लाख रुपए की नकदी और बाइक लाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके पूरा न होने पर विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। जो मामला है कि लड़की के साथ 6 मास की शादी करी थी और 6 मास की शादी करने बाद ये उसके बाद पहले तो कोई दहेज नहीं मांगा उन्होंने, बाद में दहेज मांगते थे। रोज इसे टॉर्चर करते पीटा करते, दोबारा कभी ले आते एक बार बारी दो बार इसे रोक लेता फिर तो अब इसे जब इन्हें बाद भाई लड़की को भेज दो यार कोई फायदा ना, फिर 2 लाख रुपये और मोटरसाइकिल मांगा था नहीं तो आज तो शाम बात हुई थी सही हुई थी बोले है ये तो पैसे मांगे और मोटरसाइकिल कह रहे हैं। ये देहात क्षेत्र में एक दहेज हत्या का मामला सामने आया था, उसमें दोनों पंजीकृत किए गए हैं। लड़की का पश्चाताप और उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार भी हो गए हैं जिन्हें जेल भेजा गया। सर पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट है? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से मृत्यु का मामला हत्या का मामला। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।